रामपुर उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या करीब 10 हो गई है, वहीं 10 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। एसएसपी ने कहा है कि फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है, राहत और बचाव कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। तीन गाड़ियों में जोरदार टक्कर हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये दुर्घटना ओवरटेकिंग की वजह से हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। वहीं यूपीसीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी घायलों को जल्द से जल्द बेहतर मेडिकल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। ये हादसा मुरादाबाद आगरा हाईवे का बताया जा रहा है। हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ सर? ये अभी इसकी जांच की जा रही है और जो प्रथम दृष्टया बताया गया है कि लगभग 8 बजे के आसपास डीसीएम था, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में एक बस ने साइड मारा और बस ट्रक आ रहा था उससे भी साइड लग गई, वो ट्रक भी पलट गया। सारी चीज़ों की अभी जांच की जा रही है क्योंकि इसमें संख्या लगभग 8 के आसपास है। सर कितने लोगों की मौत हो गई है लगभग? अभी वेरिफिकेशन किया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ से डेड बॉडी मिली वो 8। सर हादसे का कारण क्या रहा सर? अभी तो हम मौके पे अभी तो जांच की जा रही है, तुरंत आधे घंटे का मामला रेस्क्यू करना पड़ता प्रारंभ। आसिम अजीज की रिपोर्ट।